राम का धाम के षड्यंत्र सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राम मंदिर के सबूत और उनसे जुड़े इतिहास को मिटाया गया। आज हम देखेंगे राम मंदिर के 500 वर्षों के संघर्ष की कहानी। साल 1528-29 मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का विध्वंस कर दिया। आक्रमणकारियों की सोच थी ऐसा करके भारत के रोम रोम में बसे श्री राम के अस्तित्व को मिटा देंगे, लेकिन उनके इस विध्वंस ने जन्म दिया अगले 500 सालों तक चलने वाले मंदिर निर्माण के संघर्ष को। वो संघर्ष जो कभी शक्ति से, कभी युक्ति से, कभी भक्ति से, तो कभी न्यायालयों में तर्क से लड़ा गया। मंदिर विध्वंस के बाद हिंदू वापस जन्मभूमि पर अधिकार पाने के लिए कई छोटे छोटे संघर्ष करते रहे। हिंदुओं की इसी आस्था को देखते हुए साल 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने अपना खजाना खोल दिया और ये पूरी जमीन ही खरीद ली, जिसके बाद हिंदू इस विवादित ढांचे के बाहर खड़े होकर इस पवित्र भूमि की पूजा करने लगे। इस बीच कई छोटी बड़ी लड़ाइयां चलती रहीं। इसके बाद ब्रिटिश राज आया और 28 नवंबर 1858 को 25 निहंग सिख विवादित मस्जिद में घुस गए और ये विवाद पहली बार अंग्रेजी शासन के कानूनी कागजों में आया। इन निहंग सिखों ने इस पूरे ढांचे पर राम का नाम लिख दिया। बाद में अंग्रेज सरकार ने बलपूर्वक इन सिखों को बाहर निकाला और यहाँ रेलिंग लगा दी गई। इसके बाद हिंदू जनता रेलिंग के उस पार खड़े होकर भगवान राम के जन्म स्थान की उपासना करने लगी। 1883 में लाहौर निवासी गुरमुख सिंह पंजाबी वहाँ पत्थर और दूसरे निर्माण सामग्री लेकर आ गया और प्रशासन से मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, मगर डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ से पत्थर हटवा दिए। इसके बाद 29 जनवरी 1885 में ये मामला पहली बार कोर्ट पहुँचा और आजादी के तुरंत बाद 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मूर्तियां प्रकट हुईं। हालांकि तब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ये मूर्ति हटवाने के लिए फैजाबाद के डीएम के नायर को आदेश भी दिया, लेकिन के नायर ने पंडित नेहरू के आदेश को मानने से मना कर दिया। बाबर के समय से शुरू हुआ मंदिर निर्माण का संघर्ष अब आजाद भारत की चौखट तक पहुंच चुका था। देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराना अभी बाकी था और इसी स्वतंत्रता की लड़ाई ने जन्म दिया स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े जन आंदोलन और न्यायिक लड़ाई दोनों को। आने वाले भाग में हम जानेंगे स्वतंत्र भारत में राम मंदिर के संघर्ष को, वो संघर्ष जिसने भारत की राजनीतिक धारा को ही बदल कर रख दिया। तब तक के लिए जय श्री राम। राम 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 बोलो जय।